अब मैं दिवाकर सिंह देवघर से आया हूँ। देवघर में न्याय नहीं मिलने के कारण मैं दिल्ली जनपद पर जंतर मंतर पर अपना धरना आमरण सन कर रहा हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सुखदेव यादव कोरोना काल में मेरा मकान हड़प लिया है। कौन है सुखदेव यादव? सुखदेव यादव मेरे मकान में रहता भी था और देखभाल भी करता था। सुखदेव यादव जिला पुलिस प्रशासन से मिल करके मेरा मकान को हड़प लिया है और उसके साथ DSP भी उसका साथ दे रहा है और आज SP को गुमराह कर रखा है DSP ने। इसलिए मैंने जिला अधिकारी और मुख्यमंत्री और राज्यपाल सभी को पत्र लिखा, बात भी किया मुख्यमंत्री जी से। हाँ, असम ने कहा कि ठीक है आपको न्याय मिलेगा। आज तक न्याय नहीं मिला, सिर्फ तारीख की तारीख। फिर DC साहब ने उसके पास गया, DC साहब, फिर मैंने वहाँ पर आमरण अनशन किया गांधी स्मारक टावर चौक पे देवघर में 17 अक्टूबर को मैंने आमरण अनशन किया था। फिर प्रशासन आकर के बोला कि आप हमको उठा करके बोले 10 दिन के अंदर आपको न्याय मिलेगा। मैंने पूरे शाम तक में आमरण अनशन किया था। हम आकर के प्रशासन आकर के उसको जेल डालेंगे और आपका मकान खाली कराएंगे और आपका अनशन करेंगे। आपका अनशन तोड़वा करके उन्होंने किया, आज तक उन्होंने भी नहीं कुछ किया। मतलब प्रशासन ने बस आपको जुमलाबाजी की। DC ने अपने ऑफिस में बुला के हमको कहा, SDO को कहा कि आप जो है SDO साहब को दे दिया आपका केस, पहले उसका नामांतरण उसका कैंसिल करेंगे, 15 दिन में उसका नामांतरण कैंसिल करने के बाद उसका और भी आगे का प्रोसेस करेंगे। हाँ, आप क्या उस माफिया पे किसी पार्टी वार्टी का भी हाथ है क्या सर पे? ये तो नहीं, सत्ता पक्ष तो जरूर है, तभी तो वो चल रहा है। कोई पुलिस प्रशासन कोई नहीं, आजकल एक मामूली सा केस होता है पुलिस अंदर कर देता है, मारपीट के अंदर पुलिस थाना में घुसेर देता है। एक इस पर इतना बड़ा जुर्म लगा हुआ है, इतना केस धारा है 420 का धारा लगा हुआ है, पुलिस क्यों नहीं पकड़ रहा है? क्या कारण है? पुलिस कर क्या रही है? क्यों सुखदेव यादव इतना दमंग है जो पुलिस प्रशासन से उससे डरता क्या? पुलिस प्रशासन आज तक पुलिस प्रशासन उसके घर तक नहीं गया, न उसको पकड़ने गया आज तक, और उसके साथ बैठ के चाय पीता है पुलिस प्रशासन मिलकर के। इसका मतलब क्या हफ्ता जाता होगा पुलिस वालों को? क्या क्या आखिर क्या चाहता है? हमारा मकान क्या फ्री का है जो उसको ले लिया है? पूरे मकान 5,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, वो खाली मकान का रजिस्ट्री करवाया है, जिसमें पूरा मकान 2 मंजिल बना हुआ है मेरा मकान है। अब मेरे मकान को तोड़ फोड़ के घर में सारा सामान है मेरे उसके अंदर घर का। ये मोहल्ले वाले से पूछे कि मैंने घर खाली किया, बेचने वाले तो घर खाली करता है, और लोग को पता होता क्या रजिस्ट्री? मैंने उसको रजिस्ट्री नहीं किया तो रजिस्ट्री वो कौन होता अपनी बेटी को रजिस्ट्री करने वाला है? ये प्रशासन नहीं पूछ सकता है तुमने कैसे रजिस्ट्री किया? अब बगैर LPC का कैसे हो गया ये सब सारा काम? निमंत्रण कोरोना में गाड़ी बस घोड़ा सब बंद था, इनके लिए क्या स्पेशल कोर्ट खुला था, स्पेशल ऑफिस खुला था जो उन्होंने रजिस्ट्री करवाया? ये प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा है, सरासर बेईमानी है। CO अनिल कुमार सिंह सस्पेंड भी है जो उसी ने ये कांड किया है। आज तक प्रशासन क्यों नहीं कर रहा है, मेरा मकान क्यों नहीं दिला रहा है प्रशासन? इसका मतलब उनसे मिला हुआ है। यदि आपको अब आपकी अगर ये है, मकान अगर, नहीं मिलता तो नहीं मिलेगा हम अपना आज तो फिर इसी जगह या प्रधानमंत्री ऑफिस के साथ कहीं भी जा करके प्रशासन के ऑफिस के साथ तीनों को जहर दे के खुद खा लूँगा, आप ख़त्म कर लूँगा अपने आप को। मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ, अब ये लास्ट है, ये मैं अपने परिवार को पूरे परिवार को जहर दे के मैं खुद ख़त्म कर लूँगा। इसकी जवाबदेही देवघर प्रशासन, देवघर पुलिस और झारखंड सरकार होगी।